दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में मकर संक्रांति की धूम, अब्दुल कादिर ने एक डोर में उड़ाई 700 पतंगे, कोरोना जागरूकता और मास्क लगाने का दिया संदेश। अनंता अस्पताल में बिना ऑपरेशन के 7 साल की बच्ची के पेट से निकाली की। नाथद्वारा में मकर संक्रांति पर श्रीनाथ जी के सामने नई गेंद पधराई, रेशमी छींट के वस्त्र में सजाया, शयन भोग में अरोगाया जाएगा प्रभु को सूखे मेवे का खींच। डूंगरपुर में चाइनीज मांझे से युवक के गले में कट लगा, डोर हटाते हुए हाथ में भी चोट, खून बहने पर अस्पताल में करवाया भर्ती। बांसवाड़ा में पत्नी और बेटी पर लांछन लगाकर किया बेघर, सिरफिरे पति की करतूत पर महिला बोली घर वापसी के लिए मांग रहा दहेज, कहा बड़ी लड़की किसी और की। विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़गढ़ प्रांत की विभाग बैठक सलुम्बर में संपन्न, प्रांत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राव ने कहा सात्विक कार्य का आधार प्रेम है। हाड़ी रानी गौरव दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम सलुम्बर में हुआ आयोजित। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के मौके पर उदयपुर में एक युवा ने फतेह सागर किनारे पतंगबाजी का अनोखा हुनर दिखाया। अब्दुल कादिर ने एक डोर में एक साथ 700 पतंगे उड़ाई। कादिर के हुनर को देखने और फोटो खींचने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अब्दुल ने पतंगबाजी का अपने आप में यह रिकॉर्ड बनाया है। विशेष रूप से कोरोना के विरुद्ध जागरूकता का संदेश लिखकर पतंगे उड़ाई गई। अब्दुल ने एक डोर में 700 अलग अलग रंग बिरंगे पतंगे उड़ाई। उन्होंने पतंग के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया। अब्दुल कहते हैं कि वे पिछले 20 सालों से पतंगबाजी करते हैं। इस बार 7 से 8 मीटर की एक अलग पतंग बनाई गई जो लोगों को मास्क लगाने के संदेश दे रही थी। इससे पहले मकर संक्रांति को अब्दुल ने 500 पतंग उड़ाई थी। वहीं शहर में सुबह से ही आसमान में पतंगों ने अपना डेरा डाले हुए था। लोग बढ़ चढ़कर पतंगबाजी करते नजर आए। सुबह से ही लोग इस पर्व को मनाने में जुटे नजर आए। शहर के मंदिरों में भगवान के दर्शनों को लेकर भक्त दर्शन के लिए कल सुबह से ही पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर, बोहरा गणेश जी और जगदीश मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते रहे। यहां भी गायों और निर्धन व्यक्तियों को दान पुण्य किया गया। अनंता अस्पताल की टीम ने बिना ऑपरेशन के एंडोस्कोपी से 7 वर्षीय बच्ची की छोटी आंत के पहले हिस्से में फंसी लोहे की 2 इंच कील को बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि बिजौलिया निवासी नरेश ढाकड़ की 7 वर्षीय बेटी तुलसी ने घर में खेलते खेलते लोहे की कील निकल ली थी। परिवार के लोगों को पता चला तो तुलसी को पहले भीलवाड़ा लेकर गए जहां पर ऑपरेशन करने की सलाह दी गई और बड़े सेंटर पर रेफर कर दिया गया। ऐसे में परिजन तुलसी को बिना समय गंवाए अनंता अस्पताल लेकर आए। अनंता अस्पताल में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत जैन ने जांच की तो पता चला कि कील बच्ची की छोटी आंत के पहले हिस्से में फंसी है। डॉक्टर जैन ने बताया कि सामान्यतः ऐसे केसेस में एंडोस्कोपी से नुकीली चीज निकालने के दौरान आंतों के फटने और खून बहने का खतरा रहता है। 7 साल की बच्ची तुलसी को बड़ी और जटिल सर्जरी से बचाने के लिए मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव शर्मा के साथ मिलकर एंडोस्कोपी की गई और कील को बिना ऑपरेशन के बाहर निकालने में सफलता हासिल की। इस दौरान एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुमन कौशिक, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर कृष्णा, नर्सिंग स्टाफ रतन, मोहन और महेश आदि का सहयोग रहा। मेरा नाम विमला धाकड़ है, मेरी बेटी का नाम तनिषा धाकड़ है। इसने रात को 9 तारीख को खेलते खेलते मुँह में खील निकल ली, तो फिर इसने बताया कि मम्मा मेरे मुँह में खील चली गई। फिर हमने दूसरे दिन इसका भीलवाड़ा में एक्सरा करवाया। फिर वहाँ पे उन्होंने पहले तो हाँ भर रहे थे, पहले तो बोला कि निकाल देंगे, फिर बाद में उन्होंने कील की कंडीशन देख के मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं निकालेंगे इसको, आप कहीं बाहर ले जा सकते हो। फिर चौथे दिन हम यहाँ आनंदा हॉस्पिटल में आए, किसी ने बताया हमारे को वहाँ पर सर हैं निकाल देंगे, तो फिर यहाँ आए। फिर सर हेमंत सर से मिले, हेमंत सर ने मतलब बोला कि कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब मैं निकाल दूंगा। उन्होंने बोला कि 10% चांस है ऊपर से निकाल लेंगे, तो भी उन्होंने कोशिश की और निकाल ली। इसके लिए हम हेमंत सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हॉस्पिटल में भी हमको सभी स्टाफ ने अच्छे से कोऑपरेट किया, हर चीज़ अच्छे से समझाई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव शर्मा है, मैं एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अनंता हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जैसा कि डॉक्टर हेमंत ने बताया कि बच्ची ने कील ले ली थी, उसकी उम्र 6 साल की थी और बाहर जहाँ भी डॉक्टर्स से उन्होंने परामर्श लिया तो उन्होंने कहा कि इसमें एंडोस्कोपी करने की काफ़ी रिस्क है क्योंकि परफोरेशन हो सकता है। जब हमने सीटी कराया तो हमने पाया कि वह जो कील थी उसके छोटी आंत के D1 और D2 के जंक्शन पे थी और
और उसमें हमने एक अटेम्प्ट लिया कि हम एंडोस्कोपी करें, और बैकअप के लिए हमने ओटी में ये केस किया ताकि अगर एंडोस्कोपी द्वारा ये कील ना निकाल पाए तो हम उसका पेट खोल के बड़ा ऑपरेशन के द्वारा ये जो कील निकालने का कार्य कर सकें। अराउंड 5 सेंटीमीटर की निगल ली थी बाहर, उस कील की पोजीशन को वो डायग्नोस नहीं कर पाए थे और उन्होंने मेजर सर्जरी एडवाइस करी थी। वो बच्ची जब हमारे पास आई तो क्योंकि बच्चे की उम्र काफ़ी छोटी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार एंडोस्कोपी के द्वारा ट्राई किया जाए। तो एंडोस्कोपी से पहले हमने एग्जैक्ट लोकलाइजेशन के लिए सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में वो छोटी आंत के सबसे पहले पार्ट जिसको ड्यूडेनम कहते हैं उसके दूसरे और तीसरे हिस्से के मध्य में पाई गई। इस पोजीशन से एंडोस्कोपी करना काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि पहली बात वो पॉसिबल हो भी नहीं पाता, और दूसरी बात अगर पॉसिबल है तो वो परफोरेशन जिसको खाने की नली में छेद बोलते हैं वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जान की रिस्क और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं रहती है। तो हमने इसे देखते हुए ओटी सेटअप में ही एंडोस्कोपी करने का प्लान किया कि अगर एंडोस्कोपी के द्वारा कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या अगर हम नहीं निकाल पाएँ तो इमिडिएटली हम उसको सर्जरी से निकाल पाएंगे, क्योंकि इस नुकीली चीज़ को छोड़ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को होने की संभावनाओं पैदा कर सकता है। तो हमने हमारी टीम से इस केस के बारे में डिस्कस किया जिसमें एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुमन मैन के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम थी और हमारे मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा सर थे, उनके साथ हमने ये केस डिस्कस किया और हमने एंडोस्कोपी प्लान की। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि शुक्रवार को श्रीनाथ जी की हवेली में उत्तरायण पर्व मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। श्री जी की हवेली के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को पूजन कर हल्दी से लीपा गया। मंगला दर्शन बाद प्रभु को चंदन आंवला और फुलेल यानी कि सुगंधित तेल से अभ्यंग स्नान करवाया गया। श्री जी को रेशमी छींट के वस्त्र में सजाया गया। प्रभु के सामने नई गेंदे रखी गई। मुखिया बाबा ने बाल स्वरूप की आरती उतारी। कीर्तनकारों ने गेंद खेलने के पद का गान गाया। श्री जी के व्रतोत्सव की टिप्पणी के अनुसार इस वर्ष सूर्य धनु राशि से मकर राशि में दोपहर 3:43 पर प्रवेश किया। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 2:43 से प्रारंभ होकर 2:06 तक रहा, जिसमें 2:43 से 4:30 तक 1:47 का अति मुख्य पुण्यकाल रहा। श्री जी को उत्थापन में तिलवा के उत्सव का भोग लगाया गया। शाम को शयन भोग में प्रभु को शाक घर में सिद्ध सूखे मेवे का खींच अरोगाया जाएगा, जो वर्ष भर में केवल आज ही के दिन अरोगाया जाता है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का उत्साह चरम पर है। इस दौरान चाइनीज मांझा उपयोग में लेने से कई हादसे भी सामने आते रहे हैं। चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक के गले पर कट लग गया। डोर हटाने के दौरान हाथ से भी खून बहने लगा। डूंगरपुर के नलवा गांव के रहने वाले भूपेंद्र कोटेड बाइक से अपने घर से इंद्रखेत दुकान जा रहा था। तहसील चौराहे पर पेट्रोल पंप पर रुका। पेट्रोल भरवाने के बाद जाते समय तहसील चौराहे के पास रोड पर एक चाइनीज मांझा सीधे गले पर आकर लगा। गले में धागे से चीरा लग गया। एक हाथ से हटाने लगा तो हथेली और शरीर पर भी चीरा लग गया। गले और हाथ से खून निकलने लगा। घायल को मौके से गुजर रहे लोग एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में चाइनीज मांझे की 65 चरखी और 500 मीटर से ज्यादा धागा बरामद किया है। बांसवाड़ा में पत्नी और बेटी के चरित्र पर लांछन लगाकर उन्हें घर से निकालने की घटना सामने आई है। मामला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के घोरवाड़ा का है। सिरफिरे पति ने शादी के 7 साल बाद यह लांछन लगाकर दोनों को बेघर कर दिया है। आरोपी ने पत्नी को यह कहते हुए घर से बाहर कर दिया कि 3 लड़के लड़कियों में पहली बेटी उसकी नहीं है, वह किसी और से जन्मी है। शादी के इतने साल बाद पति में परिवर्तन देख खुद पत्नी हैरान है। अभी पीड़िता उसी बेटी के साथ पीहर में पिता के घर रहने को मजबूर है। इसके अलावा एक लड़का और एक लड़की उसके पति के साथ ससुराल में है। पीड़िता का आरोप है कि वह उस पर लांछन ही नहीं लगाता बल्कि उसे वापस घर रखने के लिए दहेज भी मांगता है। पति के अलावा ससुर लाल सिंह, श्यामा, ननन बंदी भी उसे दहेज लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मामले की जाँच सज्जनगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल कर रहे हैं। बियापाड़ा निवासी रकीला पुत्र राजेंग मुनिया का करीब 7 साल पहले घोरवाड़ा निवासी दिनेश पुत्र लाल सिंह डामोर के साथ सामाजिक
रीति रिवाज से विवाह हुआ। पीड़िता रकीला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि पति से उसके 3 संतानें हुई, इसमें 2 लड़की और 1 लड़का है। करीब 8 महीने पहले दिनेश के व्यवहार में अचानक से बदलाव देखने को मिला। वह कहने लगा कि बड़ी लड़की उसकी बेटी नहीं है, वह किसी और की है। करीब 7 महीने बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया। अब घर पर वापस रखने के लिए आरोपी पति उससे दहेज की मांग कर रहा है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलुम्बर में आयोजित हुई विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़गढ़ प्रांत की विभाग बैठक सलुम्बर स्थित विद्या निकेतन परिसर में संपन्न हुई, जिसमें प्रांत के राजसमंद उदयपुर और बांसवाड़ा के विभाग के दायित्ववान कार्यकर्ता और जिला स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें आगामी वर्ष 2024 तक चयनित प्रखंड में संगठन ग्राम समिति तक समिति बनाने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में प्रथम सत्र में प्रांत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राव का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ व प्रांत संगठन मंत्री धनराज का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि समस्त कार्यकर्ताओं को अपने निजी कार्य के महत्व के साथ में संगठन व धर्मों के कार्यों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। आजकल पहले परिवार और उसके बाद समय मिलने पर राष्ट्रीय कार्य या धार्मिक कार्य, ऐसी मानसिकता हम सब में विकसित हो रही है जो कि गलत है। अंतिम सत्र में जिला मातृशक्ति संयोजिका नीलू पुरबिया के नाम की घोषणा की गई। बैठक का संचालन विभाग मंत्री राकेश प्रजापत द्वारा किया गया। बैठक में भरतदास वैष्णव प्रांत मठ मंदिर प्रमुख जिला अध्यक्ष पूर्णेश शर्मा, जिला संयोजक रवि मेहता, जिला मंत्री बाबूलाल मीणा, दुर्गावाहिनी प्राची भट्ट आदि मौजूद रहे। विश्व पटल पर मेवाड़ का नाम गौरवान्वित कराने वाली वीरांगना हाड़ी रानी की स्मृति में 14 जनवरी को मनाए जाने वाले हाड़ी रानी गौरव दिवस के दिन राजमहल स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। नगर के सामाजिक संगठन सलुम्बर विकास मंच द्वारा आयोजित इस समारोह में मंच के संस्थापक धर्मेंद्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। हाड़ी रानी गौरव दिवस मनाए जाने पर अपने विचार रखे हाड़ी रानी संस्थान के बेनीराम सुथार ने हाड़ी रानी के जीवन चरित्र पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगरपालिका अध्यक्ष प्रद्युमन कोडिया, विशिष्ट अतिथि अब्दुल रऊफ, उपाध्यक्ष नगरपालिका, प्रतिपक्ष नेता प्रभुलाल जैन, क्षेत्रीय पार्षद राम भरोसे पुरोहित, भाजपा नगर अध्यक्ष डॉ. लव व्यास, कांग्रेस नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, साहित्यकार डॉ. विमला भंडारी, विकास मंच संरक्षक हिम्मतलाल बया, बार अध्यक्ष राकेश पूर्विया सहित नगर के पार्षद किशन सिंह, प्रहलाद तेली, नारायण भोई, मोहम्मद समीर व जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। मंच सचिव विष्णु सोनी ने आभार व्यक्त किया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।